अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है कि ग्लास सेट में से या कप सेट में से आपका एक ग्लास या कप रह जाता है तो आप उससे क्या कर सकते हैं। आप इसको DIY करके कुछ क्रिएटिविटी करके शो पीस के तौर पर भी बना सकते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे शो पीस आइटम्स मिल जाते हैं, पर जो हैंडमेड क्रिएटिविटी की बात होती है वो तो बात ही अलग होती है। तो आप इस तरह की क्रिएटिविटी कर जो इस तरह के कप रह जाएँ उनको शो पीस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको मैं इसके आइडियाज़ शेयर करूँगी। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने ग्लास पर पेंट किया स्प्रे पेंट, और उसके बाद मैंने ये स्टोन्स की लेस है मेरे पास चेन में, ये लगा रही हूँ। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो लगाएं, आप उससे क्रिएटिविटी करें और आप शो पीस तैयार कर सकते हैं। लेसेस और लेसेस को स्टिक कर लें, अगर लेसेस ना हो तो पेपर से भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ग्लास पेंटिंग कलर्स होते हैं उनसे कुछ ग्लू गन से डिज़ाइनिंग करके पेंट कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ करें और अपना शो पीस तैयार करें। तो व्यूअर्स, मेरे पास ये मिरर्स और ये चेन थी तो मैंने इसी को यूज़ किया। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे इन चीज़ों का क्रिएटिविटी का करने का, कुछ डिफरेंट चीज़ें तैयार करने का बहुत शौक है। मैंने इसके अलावा वेडिंग एसेसरीज़ का शॉर्ट टर्म 2 मंथ्स का डिप्लोमा भी किया था, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें तैयार की थी, ब्राइडल दुपट्टास वगैरह, निकाह फाइल और निकाह पेंस और ये दूध पिलाई के ग्लास, रिंग ट्रेस, बहुत सारी इस तरह की वेडिंग एसेसरीज़ की जो भी चीज़ें थी बहुत सारी मैंने ट्राई की थी। मैं आप लोगों से आगे भी शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी घर पर बैठकर खुद तैयार कर सकें। उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मुझे अप्रिशिएट कीजिए ताकि मैं आप लोगों से मज़े की वीडियोज़ शेयर कर सकूँ। व्यूअर्स, ये मेरा ग्लास ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब आप देखें, मैंने ये जैसे चेक किया, आपके पास जो भी चीज़ हो आप रख के चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास स्कार्फ पिन का क्लिप टूटा था तो ये मैंने रखा हुआ था, तो ये मैंने यूज़ किया है। ये जो मैं बीट्स यूज़ कर रही हूँ ये ड्रेसेस पर लगे हुए होते हैं, तो ये ड्रेसेस पे कटिंग करते हुए जो झड़ गए थे तो ये मैंने स्टोर किए हुए थे, ये भी मैंने यूज़ किए हैं। तो ग्लास तैयार होने के बाद ये एक रॉयल सा लुक दे रहा था। आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा। और जब ग्लास तैयार हो गया तो इसके साथ एक स्ट्रॉ भी होनी चाहिए, तो मेरे पास इस वक्त तो यही स्ट्रॉ थी, तो मैंने इसको पेंट कर स्प्रे कर उसके ऊपर ये स्टोन की लेस और कुछ बिग स्टोन्स स्टिक कर दिए थे ग्लू गन की हेल्प से। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।